आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण 6 × x² - x - 2 = 0 के मूल क्या होंगे, यह हमें याद करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2/3 - -1/2, बी विकल्प में -2/3 - 1/2, सी विकल्प में 1/2 - 2/3, डी विकल्प में -1/2 - -2/3। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया द्विघात समीकरण है 6 × x² - x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, देखो इसे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुलना। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर तुलना करने पर हमें ए बी तथा सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणाकार था 6, बी बराबर क्या होगा, तो एक्स का गुणाकार था -1 तथा यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद अर्थात -2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विव्यक्तिकर ज्ञात करेंगे। ठीक है, विव्यक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर विव्यक्तिकर ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4 × ac। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -1² - 4 × a = 6 × c = -2। तो बच्चों देखो -1² क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पर बच्चों देखो 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 48। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें डी का मान प्राप्त हो गया 48 + 1 = 49। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो डी का मान हमें 49 प्राप्त हो गया, जो कि शून्य से बड़ा है, अर्थात यहाँ पर हमें दो वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हम जानते हैं क्या, तो x = -b + √d/2a। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, तो b का मान क्या है, -1, और पहले से माइनस है, तो -(-1) + -, यहाँ पर √d का मान क्या है, तो 49, तो यहाँ पर 49/2a, तो a का मान क्या है, तो a का मान है यहाँ पर 6। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों देखो प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 37/49, अर्थात 7/2 बच्चों देखो 6 × 12। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8/12, और दूसरे बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो 1 - 7 कितना हो जाएगा, -6/12। अब बच्चों देखो इसे हम विभाजित कर लेते हैं, तो 4 से हम विभाजित करते हैं, तो 4 × 8 = 12। यहाँ पर बच्चों देखो हम 6 से विभाजित करते हैं, तो 6 × 6 = 12। तो यहाँ से बच्चों हमें मूल प्राप्त हो गए हैं 2/3 तथा -1/2। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 2 मूल प्राप्त हो गए हैं x के, 2/3 - -1/2। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प में यह दिया गया है, तो 2/3 - -1/2 विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।